इंदौर के विजयनगर पुलिस ने विदेशी मुद्रा में निवेश के नाम पर ठगी करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजरी कंपनी पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। कंपनी अब तक कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुकी है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मामला इंदौर की विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने प्रीमियम बिल्डिंग में प्लेटिनियम ग्लोबल व बीएनबी नाम की कंपनी पर कार्रवाई की। ये विदेशी मुद्रा में निवेश कर पैसे कई गुना बढ़ाने का लालच देते थे। इसके लिए कंपनी द्वारा एक फर्जी सॉफ्टवेयर भी बनाया गया था। कंपनी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर क्विन कॉइन लॉन्च करने वाली थी। कंपनी के 4 बैंक अकाउंट भी मिले हैं। फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी लोगों से डॉलर में निवेश कराती है। मौके से पुलिस अनिल पिता सुदर्शन निवासी महालक्ष्मी नगर व उसके साथी हरदीप पिता जीएस सलूने को गिरफ्तार किया है। वहीं कंपनी का सर्वर जो कि विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था, पुलिस अब सर्वर ऑपरेट करने वालों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर रवाना करने वाली है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मुख्य आरोपी अतुल बिष्ट के क्विन कॉइन को फर्जी सर्वर के माध्यम से पूरे देश में संचालित करने की प्लानिंग थी। फिलहाल पुलिस के पास बड़ी संख्या में ठगी का शिकार हुए लोग पहुंचे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी से पैसे ठगने की शिकायत आई थी और जो आरोपी थे उन्होंने विदेशी मुद्रा में व्यापार करके पैसा कमाकर फरियादी को लौटना बताया था। अब इस शिकायत पे जांच पड़ताल में पुलिस की टीम आगे बढ़ी और हमने पता किया और तो हमें कुछ जानकारी मिली कि ये रैकेट काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ठगा हुआ है। इसी तारतम्य में जब इनके रेड किया गया, इनकी उनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लगभग 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन इनके एक खाते में निकला है और अलग अलग लोगों से इन्होंने विदेशी मुद्रा में व्यापार करके पैसा कमाना, क्रिप्टो में पैसा लगा के कमाना ऐसा कह के पैसा लिया हुआ है। जो इनका काम करने का तरीका था उसमें इन्होंने एक अलग से सर्वर वेबसाइट वगैरह बना रखी थी जो पैरेलल एक इनके लिए काम करती थी और जो पीड़ित लोग थे उनको लगता था कि ये वास्तविक साइट या ऐप है जिसके माध्यम से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें अपराध दर्ज करके दो आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और वो पीआर पे लेकर उनसे और पूछताछ की जाएगी। जाँच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इनको, ये अपडेट कहाँ से होता था? अनिल और हरदीप नाम के दो आरोपी हैं, अभी पकड़ाए हैं। इनसे पूछताछ में इनका एक अन्य साथी नाम आ रहा है जो विदेश में भी है, ऐसा इनका कहना है। तो उससे भी और इसमें पूछताछ की जाएगी और इसमें अन्य भी जो लोग की भूमिका आएगी वो भी इसमें आरोपी बनेंगे। सर्वर जो दुबई से अभी टेक्निकल टीम हमारी इसमें जांचेगी, जो इनका हमने अभी हमारे पास इनके लैपटॉप मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं, सर्वर अभी बरामद नहीं हुआ है। तो पूछताछ में हम प्रयास करेंगे कि उसको बरामद करें। अगर वो भारत में है तो यहाँ से बरामद करेंगे और कहीं विदेशी धरती पे है तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो हम करवाना सुनिश्चित करेंगे।